हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए फिर से ऐसी अनोखी टेस्टी और लाजवाब मिठाई लेकर आई हूँ जिसे बनाने के लिए आपको बहुत कम समय लगेगा, साथ ही आपको गैस भी जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत टेस्टी और आसान रेसिपी है, तो चलिए इस रेसिपी को देख लेते हैं। तो इस लाजवाब मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है 1 कप मिल्क पाउडर। इसमें हमें डालना है 1/2 कप पिसी हुई शक्कर, लेकिन शक्कर को आपको बिल्कुल फाइन पीसना है, दरदरा बिल्कुल इन भी नहीं पीसना है, वरना इसका टेस्ट मुंह में आने लगेगा। साथ ही इसमें डालेंगे हम 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा, ये नारियल का बुरादा है, इसे हमने थोड़ा सा मिक्सी में चला लिया है और इसका पाउडर कर लिया है ताकि मिठाई बनाने के बाद काटने में आसानी हो। अब यहाँ पर हमने दूध लिया है जो कि 1/4 कप है, लेकिन सारा दूध हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और इसका आटा लगाएंगे। अगर आप एक साथ दूध डाल देंगे तो शायद आपका जो डो है वो ज़्यादा स्टिकी हो सकता है, ज़्यादा सॉफ्ट हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दूध डालें और इसका डो तैयार करके देखें। अगर इसका जो डो है वो बाइंड हो जाए, मतलब आधे यहाँ पर हमने जो दूध इस्तेमाल किया है अगर उससे कम दूध में अगर ये डो बन जाए तो आप दूध डालना बंद करें। तो ये देखिए, हमें तो 1/4 कप पूरा दूध लगा है और डो बनाने के बाद हमें इसके दो हिस्से करने हैं क्योंकि आज हम दो कलर की मिठाई बना रहे हैं। तो एक हिस्से में हमें डालना है पिंक कलर या रेड कलर, साथ ही इसमें डालेंगे हम फ्लेवर के लिए वैनिला एसेंस। अगर आपके पास एसेंस नहीं है तो आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब अच्छे से इसे हमें मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद हमें एक रेड कलर का डो रेडी करना है। तो दोस्तों, ये जो मिठाई है जितनी बनाने में आसान है उतनी ही ज़्यादा टेस्टी और सुंदर भी है। अगर आपके मेहमान इसे खाएंगे तो खाएंगे भी, साथ में अपने घर भी ले जाएंगे, ये इतनी ज़्यादा अच्छी बनती है। अब यहाँ पर हमें इस मिठाई को शेप देना है, तो हाथों पे पहले आप घी लगा लें और जो वाइट कलर का डो है उसे हमें रोल करना है। तो यहाँ पर देखिए, घी लगाने से हाथों पे ये मिठाई चिपकेगी नहीं और जैसे ही इसे रोल करें तो इसे दो हिस्सों में आपको डिवाइड करना है, लेकिन दोनों रोल बराबर एक साइज के होने चाहिए। अब हमें इसे स्क्वायर शेप देना है, तो यहाँ पर देखिए आपको इस तरीके से इसे रोल करना है। अगर आपको ऐसे रोल करने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप इसे नॉर्मल रोल भी कर सकते हैं राउंड शेप में। तो इस तरीके से हमने स्क्वायर शेप इसे दिया है और इसे अब हम एक साइड रखेंगे और इसे हमें फॉइल पेपर पर रखना है क्योंकि हमें बाकी के रोल भी अरेंज करने हैं इसी के ऊपर। तो चलिए, अब हम इसे एक साइड रख देते हैं और अब हम पिंक कलर के रोल रेडी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए फिर से ये जो पिंक कलर का डो है उसे ले लिया है और इसे भी सेम साइज में हमें डिवाइड करना है। और इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें आप कि आपको ये जो डिवाइड है बिल्कुल सेम साइज़ की ही करनी है, तभी आपकी मिठाई दिखने में ज़्यादा सुंदर लगेगी। और यहाँ पर देखिए, हम फिर से इसे रोल कर रहे हैं स्क्वायर शेप में और अच्छे से रोल करने के बाद अब हमें इसे फिर से हमारे वाइट वाले रोल के साइड में इसे अरेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए, हमने इसे अच्छे से अरेंज कर लिया है और अरेंज करने के बाद हमें इसे फोल्ड करके इसे थोड़ी देर फ्रिज में रखना है। जब तक ये रेस्ट करेंगे तब तक हम बाकी के दो रोल फिर से बना लेंगे। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमें बाकी के दो रोल भी रेडी कर लेने हैं। तो यहाँ पर इसे फोल्ड करके थोड़ी देर हम फ्रिज में रखेंगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाएंगे, जिससे आपको इसे हैंडल करने में आसानी होगी। वैसे तो आप इसे डायरेक्ट चारों रोल को अरेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बहुत आसान तरीका दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए, हमने बाकी के दो रोल भी रेडी कर लिए हैं और जो हमने फ्रिज में रोल रखे थे उसे हमने निकाल लिए हैं और इसे हम इसके ऊपर अरेंज करेंगे। तो जहाँ पर पिंक कलर का रोल है उस तरफ आपको वाइट कलर का रोल अरेंज करना है, मतलब जो कलर है उसके अपोजिट कलर पर हमें ये रोल सेट करना है, तभी आपकी मिठाई ज़्यादा सुंदर दिखेगी। ये देखिए, हमने इसे अच्छे से सेट कर दिया है और अब हम इसे फिर से फोल्ड करेंगे। अब इस मिठाई की सुंदरता ज़्यादा इसके शेप पर अरेंज करती है, मतलब आपके जो रोल है वो बिल्कुल परफेक्ट एक साइज़ के होने चाहिए और इसे रोल करते वक्त आप इसे बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर शेप दीजिए। अगर आप यहाँ पर राउंड शेप दे रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मिठाई आज हम बिल्कुल हट के बिल्कुल अलग तरीके की बना रहे हैं, जिसे फोल्ड करने की जो टेक्निक है उसे आप थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपकी ये मिठाई बहुत अच्छी बनेगी।
तो ये देखिए हमने इसे अच्छे से पैक कर लिया है और अब हम इसे फिर से अच्छे से शेप दे रहे हैं ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट अच्छे तरीके से स्क्वायर शेप में बन जाए। फॉइल पेपर में कवर है इसके लिए आपको इसे स्क्वायर करने में थोड़ा आसानी हो जाती है और आप इसे अच्छा शेप दे पाएंगे। तो ये देखिए हमने इसे अच्छे से शेप दे दिया है और अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे करीबन इसे ठंडा होने के लिए अच्छे तरीके से। तो अगर आप फ्रीजर में रखेंगे तो 8 से 10 मिनट में ये सेट हो जाएगा। तो ये देखिए हमने इसे अच्छे से सेट कर लिया है, काफ़ी अच्छे से ये ठंडा हो चुका है। और जैसे ये ठंडा होता है तो सारी चीज़ें अच्छे से सेट हो जाती है जिससे मिठाई काटने में आसानी होगी और इसके शेप भी बहुत अच्छी आएंगी। तो चलिए अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा देते हैं क्योंकि अभी त्योहारों का समय है। तो दुकानों में भी आप देखते हैं कि सारी मिठाइयाँ कितनी सजी धजी होती है, तो घर की मिठाई क्यों हम इतनी ज़्यादा सिंपल बनाएं। मतलब हमने इस पर चांदी का वर्क लगाया है और इसे कितना सुंदर लुक दिया है। तो देखिए अब हम इसे काट रहे हैं तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसके पीसेस बन रहे हैं, कितने अच्छे से ये कट हो रही है। तो इसके सामने ना बाज़ार की मिठाइयाँ भी फीकी पड़ जाती है। यह ना बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, हमने ना तो ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं, ना ही ज़्यादा मेहनत लगी है और ना ही हमने गैस चलाया है। बहुत ही कम समय में हमने बहुत ही अच्छी मिठाई घर पर बना ली है। तो ये रेसिपी आपको कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।